अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नौमान अहमद सिद्दीकी एंड वंस अगेन फ्रॉम अंसारी अकेडमी। आज हम सीख रहे हैं कि एंट्री से डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस कैसे बना सकते हैं। जी हाँ, एंट्री से डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस किस तरह बना सकते हैं, किस तरह आसानी से बना सकते हैं। सही है, हमें लेजर बनाने की इसमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। सवाल कहाँ से सर? ये मेरे क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 29 पे आ रहा है। मैंने एंट्रीज बना ली है, एंट्रीज में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, बहुत ही आसान सी एंट्रीज हैं। बट स्टिल अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं या नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही आसान इसकी एंट्रीज थी, मैंने एंट्रीज बना ली हैं। अब मैं आ रहा हूँ कि इसको पोस्ट कैसे करना है ट्रायल बैलेंस में आसानी से। देखें, अगर मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊं तो बहुत आसान शॉर्टकट ये है कि आपने 2 मिनट के लिए सारे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को भुला देना है। जी हाँ, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को 2 मिनट के लिए आपको भुला दें और आप एक शॉर्टकट पकड़ लें, इसको गिठा बांध लें। क्या कि डेबिट का मतलब प्लस, क्रेडिट का मतलब माइनस। देखें, सिर्फ ये शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं, ऐसा कोई है नहीं असल में कोई रूल वगैरह। मैं आपको जो असल रूल्स हैं मैं आपको बोल रहा हूँ, 2 मिनट के लिए उसको भुला दें। आप बोलें डेबिट का मतलब प्लस, क्रेडिट का मतलब माइनस। सही है, अब आपने अपने कैलकुलेटर्स में नंबर्स को पुट करना है। सर, नंबर को पुट कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, कैश, अगर मैं कैश की बात करूँ, मैंने यहाँ पर नाम भी लिख के रखे हुए हैं कैश। सर, कैश 60,000 है डेबिट पर मतलब प्लस, उसके बाद कैश क्रेडिट पर मतलब माइनस, फिर कैश डेबिट पे मतलब प्लस। अब अपने कैलकुलेटर में डालें आप अपने, फिर उसके बाद कैश क्रेडिट पे मतलब माइनस, उसके बाद कैश क्रेडिट पे मतलब माइनस। अब आप ये नंबर्स पुट करके आप दबा दें कैलकुलेटर में इक्वल टू, आपके पास सर आंसर आएगा 122,000। जी हाँ, पॉजिटिव आंसर है, इसका मतलब डेबिट बैलेंस का आंसर है। अगर आंसर में माइनस लगा हुआ हो तो आप क्रेडिट साइड पे पुट कर दें आंसर। सही है, उसके बाद कैपिटल, कैपिटल के केस में कैपिटल कहाँ दिख रहा है आपको? क्रेडिट साइड पे, और सिर्फ एक ही दफा दिख रहा है क्रेडिट साइड पे, तो आप इसमें तो कोई सवाल जवाब होना नहीं चाहिए, डायरेक्ट आप इसको उठा के क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। उसके बाद परचेजेस की बात करूं मैं, परचेजेस पहले हुआ डेबिट मतलब प्लस, उसके बाद वंस अगेन डेबिट हुआ मतलब प्लस, तो परचेजेस की अमाउंट कितनी बन गई सर हमारे पास? परचेजेस की अमाउंट बन गई 26,000। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल की तरफ चलते हैं हम। अकाउंट रिसीवेबल को हम देखते हैं, हम अकाउंट रिसीवेबल दिखा हमें 365,000 डेबिट साइड पर मतलब प्लस। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल हमें कहीं और नजर नहीं आया, हमने इसको डेबिट कॉलम में 365 पे लिख के लॉक कर दिया। आते हैं सेल्स की तरफ, सेल्स को ढूंढते हैं। सेल्स हमें पहले दिखी क्रेडिट पे, क्रेडिट मतलब माइनस, क्रेडिट मतलब माइनस, और उसके बाद दोबारा क्रेडिट पे दिखती हमें एक दफा सेल, और कितने से? वंस अगेन दिस टाइम 80,000 माइनस माइनस। अब देखें, यहां पे आपने अपने कैलकुलेटर में डालना है माइनस 365, कैलकुलेटर में आपने डालना है माइनस 365, देन अगेन माइनस 80,000, तो माइनस माइनस आंसर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपके पास 445,000। ये कैसे बनेगा आंसर 445,000? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट साइन बड़े का ही आता है, साइन माइनस का ही लगा हुआ होगा, लेकिन आंसर होगा आपके पास 445,000। वंस अगेन देखिए, कैलकुलेटर में आपने डालेंगे आप माइनस 365,000 एंड माइनस 80,000, क्योंकि दोनों टाइम दोनों दफा सेल्स हमें क्रेडिट पे मिली है, एक दफा 365 से और एक दफा 80,000 से। उसके बाद नाम आ रहा है ड्राइंग का, ड्राइंग एक ही दफा दिख रही है हमें 8,000 से, मैंने इसको लिख दिया डेबिट कॉलम में। प्रीपेड सैलरी भी एक ही दफा आ रही थी, मैंने इसको भी लिख दिया डेबिट कॉलम में। उसके बाद एक यहाँ पे एडिशनल हेड था मेरे पास बैंक, बैंक एक ही दफा हुआ है क्रेडिट, क्रेडिट मतलब इस केस में हम माइनस, तो इसकी अमाउंट लिख देंगे हम क्रेडिट कॉलम में। अब देखिए, ये तो हमने कर लिया, सो ये तो हमने पुट कर लिया, अब आज का बैलेंस करेंगे टाई हो जाएगा। बट थोड़ा सा लॉजिक की तरफ आ जाते हैं कि मैंने शुरू में आपको सिर्फ शॉर्टकट दिया था कि डेबिट का मतलब प्लस, क्रेडिट का मतलब माइनस। इसके साथ लॉजिक ले लेते हैं कैश के केस में। देखिए, हम ट्रायल बैलेंस बना रहे होते हैं एज ऑन आज
का बैलेंस, आज का बैलेंस, इस वक्त मेरे पास पैसा कितना है। और अगर मैं मंथ की एंट्रीज को देखूं, अपने मंथ की एंट्रीज को देखूं, कैश तो एसेट है, एसेट में डेबिट का मतलब प्लस और क्रेडिट का मतलब माइनस, तो एसेट में तो यही रूल चलेगा हमारे पास, प्लस डेबिट प्लस, आया आया कितना 60,000, देन फिर गया कितना 6,000, फिर आया कितना 80,000, फिर गया कितना 8,000, फिर गया कितना 4,000। तो आप सेम वैसे ही करेंगे जैसा भी हमने किया शॉर्टकट में, हमने प्लस माइनस माइनस, आंसर आ जाएगा 122,000। सर मैंने सेल्स के केस में जो सवाल बच्चों का आता है, सेल्स के केस में मैंने आपको माइनस क्यों लगवाया, ठीक है इसकी लॉजिक भी ले लें थोड़ी सी। सेल्स 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 रेवेन्यू है, रेवेन्यू जब बढ़ता है तो क्रेडिट, कम होता है तो डेबिट। रेवेन्यू या इनकम जब बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। देखिए यहां पे हमने सामान बेचा उधार पे, तो कुछ रेवेन्यू जनरेट हुआ, कुछ सेल्स क्रेडिट हुआ, सही है। मैं बोल रहा हूँ साल में मैंने दो बार सामान बेचा है, मैंने साल में दो दफा सामान बेचा है, एक दफा कैश के अगेंस्ट, एक दफा अकाउंट रिसीवेबल के अगेंस्ट। जब मैंने पहली दफा सामान बेचा, कितने का बेचा, 365,000, मतलब 365,000। उसके बाद मैंने सामान भेजा कितने का, 80,000। मैं आपसे बोल रहा हूं मैंने टोटल पूरे महीने में टोटल कितना सामान बेचा, कितने की सेल्स की, मैं सेल्स की 445,000। जी हाँ, मैंने सेल्स की 445,000 सेल्स की। मैंने क्या जुमला बोला, मैंने सेल्स की, मैंने जुमला बोला सेल्स की। जब सेल हो जाती है, सेल हम कर देते हैं तो सेल बढ़ जाती है, सेल्स बढ़ के क्रेडिट होती है। जी हाँ, जब मैंने इतना सामान बेचा, मैंने ऐसा कहा मैं सामान बेच दिया, 365,000 का सामान बेच दिया, सामान बेच दिया मतलब सेल्स क्रेडिट। उसके बाद मैंने दोबारा सामान बेचा कितने का, 80,000, सामान बेच दिया, सामान बेच दिया, सेल्स वंस अगेन क्रेडिट। तो टोटल 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 कितने से क्रेडिट होगी सेल, 445,000 की। इसको अगर आप अपने कैलकुलेटर में इसको रखते माइनस 365 और इसको रखते माइनस 80,000, तो आंसर आता माइनस 445,000। माइनस का साइन लग गया, माइनस का साइन लग गया, तो आप अमाउंट को डाल दें क्रेडिट कॉलम में। जी हाँ, ये सिर्फ शॉर्टकट था, लॉजिक भी मैंने आपको देने की कोशिश की है, बट स्टिल अगर आपका इसमें कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं या नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपनी बहुत सारी दुआओं में हमारी पूरी टीम को याद रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह।